भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर मई से तनाव जारी है, लेकिन ये तनाव खत्म होने की बजाय अब बढ़ता जा रहा है। सोमवार की रात को गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए और भारत के 20 जवान शहीद हुए। 6 जून को हुई बैठक में चीन ने इस बात पर सहमति जताई थी कि वो अपने सैनिकों को पीछे हटा लेगा, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में सवाल है, आगे क्या? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाई है। ये बैठक 19 जून को शाम 5 बजे होगी। पहले से ही चीन के रवैये से भारत में गुस्सा भरा हुआ था और अब चीन की इस हरकत ने देश में चीन के खिलाफ गुस्से को और भड़का दिया है। माना जा रहा है भारत सरकार चीन के खिलाफ कोई बड़ा आर्थिक एक्शन ले सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट करार रद्द किया जा सकता है। वहीं सीमा पर हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए और चीन की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस इलाके में हिंसक झड़प हुई, वहां सेना के साजो सामान को फ्रंट लाइन पर पहुंचाना आसान नहीं है, इसीलिए विषम परिस्थिति में सेना की मदद के लिए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से तैयार है। वायुसेना का कहना है, आदेश मिलने पर वो सिर्फ आधे घंटे में सीमा पर टैंक और तोपखानों को पहुंचा देगी। युद्ध के मैदान में भारतीय सेना की ताकत को पाकिस्तान और चीन करगिल में बहुत अच्छे से जान चुके हैं। वर्तमान समय की बात करें तो दौलत बेग ओल्डी समेत 3 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनने से भारत की सैन्य ताकत में काफी इजाफा हुआ है। भारतीय वायुसेना अब देश के किसी भी हिस्से से मात्र 30 मिनट में लद्दाख में सेना और उससे जुड़े सामान को पहुंचा सकती है। करगिल युद्ध के बाद कभी ऐसे हालात नहीं पैदा हुए जिसमें देश के जवान दुश्मन देश के जवानों के मंसूबों को नाकाम करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हों। इस समय लद्दाख में सेना ने ITBP की सभी चौकियों की कमान संभाल ली है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कश्मीर से सेना के जवानों की अतिरिक्त टुकड़ियां पूर्वी लद्दाख में मौजूद है। इसके साथ ही गलवान क्षेत्र में नागरिक संचार सेवा को भी बंद कर दिया गया है। वायुसेना के 2 AN-32 विमान भी श्रीनगर और लेह पहुँच गए हैं। लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को सोनमर्ग से आगे आम नागरिक वाहनों के लिए लगभग बंद कर दिया गया है। ITBP के जवान और अधिकारी अब सेना के साथ LAC पर गश्त करते हुए चीन की हरकतों की निगरानी कर रहे हैं। पेगोंग झील में भी सेना ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। झील में भारतीय सेना के पेट्रोल ड्रिल को मौजूदा हालात के मद्देनजर आक्रामक बनाया गया है। फिलहाल सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच में जनरल स्तर की बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी NI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। गलवान में हालात जस के तस हैं। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों में और बातचीत होने की संभावना है।